मेरी इस गाड़ी का सर्विस ड्यू था अराउंड फरवरी में, लेकिन ऑब्वियसली फरवरी में मैं शिप में था, तो मैं उनको बोल के गया था कि अगर मैं आने के बाद सर्विस कराता तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब आएंगे तब सर्विस करवा लेना, क्योंकि मेरा 3 साल का सर्विस का पैकेज है उनके साथ। गाड़ी जब भी सर्विस में देना है तो उसको खाली कर लेना है। मैटर ऑफ फ्यू आवर्स तो इसीलिए यहाँ रखा है, नहीं तो प्रॉपर सिक्योर करता है इसको वर्कशॉप में। बेबू के चप्पल मेरा टारगेट स्टार्ट टाइम था 6:30 और अभी हो रहे शार्प 6:30। कहीं भी टाइम पे जाओ बहुत मजा आता है। नॉट श्योर सर्विसिंग में कितना टाइम लगता है, तो मैंने अपना लैपटॉप एडिटिंग के लिए अपना टाइम पास के लिए इंतजाम कर लिया यहाँ पे। अभी देखे देंगे तो गाड़ी में ये 2 एरर मैसेज आ रहा है, बेसिकली सर्विस जो ड्यू है उसी का है। तो सही, आपको कुछ याद में रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप गाड़ी वॉर्न करती है। हड़प्सर इंडस्ट्रियल एकदम सही रूट ले लिया इसने। चलो भैया 1 आवर 30 किलोमीटर। सो फिलहाल जहाज से आने के बाद से ये होने वाली है सबसे लंबी ड्राइव इस BMW की, अबाउट 52 किलोमीटर्स, क्योंकि जब से आया हूँ लॉकडाउन चल रहा है, अपने एरिया में ही थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया है बस। या गाड़ी थोड़ी गंदी है तो सर्विस सेंटर जा रही है। तो सुबह सुबह मजा आ रहा है भाई, पुणे में आउटसाइड टेम्परेचर सुबह के 7 बजे 22, खाली रोड। मैं एक बार गया वहां पे अपना गाड़ी का चार्जर लेने, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगा था, आज सिर्फ 45 मिनट्स, रोड सब खाली। वैसे तो ये लोग ऑफर करते हैं कि घर से गाड़ी लेके जाएंगे, घर पे ड्रॉप करेंगे सर्विस करके, बट हम मर्चेंटिंग में इसीलिए कि फुल टू फ्री रहे वेकेशन में और ऐसे सब काम भी खुद ही करें जिनमें हमको फुल मजा आता है। एज एक्सपेक्टेड मैं 20 मिनट पहले ही पहुंच गया हूँ, पूरा खाली है, कोई नहीं है। आई थिंक मेरी पहले गाड़ी आई है यहाँ पे सर्विस के लिए, अभी मुझे बोला वेट करने को। कौन सा फर्स्ट शटर से जाना है भाई? BMW ही BMW। रियली वेरी ब्यूटीफुल एवरीवेयर एंड स्पेशियस। क्या क्या गियर है भाई, फालतू का गियर नहीं लेने का। चलो एक तो BMW का बाइकर आया, नहीं तो मैं यहाँ पे अकेले आ गया 15 मिनट पहले, और लग रहा है कि अपना काम जल्दी हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं दिख रही यहाँ पे। ये भाई अपनी गाड़ी मूव कर रहे हैं, वाह वाह वाह, दूर से तो देख के बिलीव ही नहीं होता कि अपनी ही गाड़ी है। ये वाला मैकविल सिर्फ 47,000 रुपीज का है। भाई मेरी गाड़ी का मैकविल कभी मत खराब होना, कभी मत ठुकना। अबे इसमें सोना लगा हुआ है क्या? 60,000। 1, 2, 3 ऑलमोस्ट 8 से 10 BMW की बाइक भी यहाँ पे स्टैंड बाय है सर्विस के लिए। अपनी तो एम स्पोर्ट है। मेरी गाड़ी का खराब हुआ तो ₹1,00,000 गए एक मैकविल के, तो गाड़ी को कभी ठोकने का नहीं, कभी खराब नहीं करने। पानी पीते फिर कॉफी पीते। तो अभी मुझे बताया कि फर्स्ट सर्विस है तो इंजन ऑयल फिल्टर ये सब चेंज हो जाएंगे, सारे कुछ सर्विस पैकेज में, तो उसका कोई बिल नहीं आएगा। जो नॉर्मल ये वॉशिंग और क्लीनिंग करेंगे वो सब चीज़ों का थोड़ा 3,000-4,000 रुपये उतना ही बिल आएगा। अभी बजने वाले हैं 9 और बड़े अच्छे से गाड़ी इंस्पेक्ट कर ली, मुझे पूरा कॉस्टिंग एक्सप्लेन कर दिया और इन्होंने बोला गाड़ी 12 बजे तक रेडी हो जाएगी। तो एज एक्सपेक्टेड 1-2 घंटे यहाँ अपना एडिटिंग करते हैं। ये रही अपनी ब्यूटी, आई थिंक सर्विस भी हो चुकी है, मस्त वॉशिंग भी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया चमक रही है बेबी, एकदम ऑल अराउंड बढ़िया। साल भर की छुट्टी फ्रॉम सर्विस।
ये मेरे साथ नीलेश जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया। आज खाली था और बहुत टाइम पे 12 बजे बोला, 12 बजे गाड़ी दे दी 2 घंटे में। मेरे को ज्यादा बोर भी नहीं मारा, मैंने थोड़ी देर काम किया लैपटॉप पे। वाह 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 वाह, चमक गई चमक गई, निकलते इधर से। वाह, सर्विस के बाद की फीलिंग अलग, एकदम न्यू जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो घर चलते, अभी थोड़ा लगेगा टाइम, अबाउट 1 घंटा। तो वॉशिंग क्लीनिंग का सिर्फ कॉस्ट लगा 2,200 रुपीज, दैट्स इट। ये अलग से कुछ चीजें, बेसिकली परफ्यूम है और हुक है, दैट्स इट। इसका कॉस्ट ऑब्वियसली अलग से लगा कुछ 7-8 थाउजेंड। क्या बोलते भैया इसको, ये ऐसे रहने वाला है, मेड इन इटली फ्रंट बोल रहा है तो ऐसे रहेगा ये। खुशबू आ रही ऑलरेडी। अच्छा, यूएस वीजा का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है और यूएस से आ रहे तुम्हारी फ्रेंड। चलो गाड़ी का सर्विस हो गया। मगर वो रील सच नहीं था कि दोस्तों का बर्थडे अच्छे से मनाते हैं। Yes, then what do you want? Tell me. Yes, I got a relationship manager. Yesterday a girl called me and she is my relationship manager. हाँ, तो ये सब गलत बात है। फ्रेंड्स का भी बर्थडे क्या, रंजना का भी बर्थडे, अच्छा टाइम पे से विश किया मैंने उसको और गिफ्ट भी दिया, सरप्राइज भी दिया, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, अच्छा पति हूँ। मगर रील अच्छा बना है, बहुत इंटरेस्टिंग, वायरल हो सकता है वो रील। और सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है तो इतना बढ़िया खाना, गजब। हाँ, how you got red hair baby today? It's a wig. It's a wig. Wig. Yeah. Okay. You're looking funny. No funny. Afternoon में मैं सो गया था मस्त, मगर खैर। No funny. It's looking beautiful यार. No funny. Oh sorry. Show me again. Okay, it's not at all funny. It's beautiful. So हुआ क्या कि सुबह 5 बजे उठ गया था तो मैं आज आफ्टरनून में सो गया था, क्योंकि नॉर्मल से जल्दी उठने में आदमी थक जाता है ना। ओहो बेबू, रेड हेयर बेबू, वेरी ब्यूटीफुल। चलो वॉक करके आते हैं। चल यार, आई डोंट लाइक बीइंग इन बॉडी। ओके ओके, यू कैन वॉक योरसेल्फ, आ जाओ। चलो, क्या बेबी है यार, आ जाओ जल्दी। वॉक बेकार थी क्योंकि मास्क में वॉक करने में सांस ही नहीं आता है यार, पता नहीं क्या है अभी, क्या करें। कम बेबू, बैटरी डालना है ना आपके टॉय में। अरे ये तो खाना बन रहा है इसमें। So as you can see कि बेबू डिनर बना रहा है तो हम लोग खा के सोते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। स्टे फिट। जय हिंद।